हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल वीएस किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन का चिल्ला, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है। चिल्ला बनाने में लगने वाला सामान सारा इस प्रकार है: बेसन, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, घी और हमारा नमक, हल्दी, गरम मसाला। अब मैंने 2 कप बेसन लिया। इसमें मैंने हल्दी आधा चम्मच और स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, और भाई इसमें मैंने डाला अमचूर पाउडर, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें हींग पाउडर 1 पिंच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला। अब मैं इसको मिला लूँगी सारे को बेसन में अच्छी तरह से मिला लूँगी, और फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाऊंगी। इसमें एकदम से सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा 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 पानी करके मिलाते जाना है, ऐसे जैसे मैं ऐसे मिला रही हूँ। अब थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे इसमें। एकदम सारा पानी डाल देंगे तो ये बिल्कुल पतला भी हो सकता है, इसलिए ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाते जाएंगे। अब मैं 1 कटोरी प्याज बाउल में ले रही हूँ, 2 टमाटर कटे हुए, बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें मिला लेंगे, और सारे सामान को मिला के तवा गरम करके उस पर घी डालूँगी 2 चम्मच, और तवे पे फैला लूँगी। अब बैटर डालूँगी इस पर, एक बड़ी कड़छी से बैटर ले और कड़छी भर कर उस पर डाल दें, फिर उसको धीरे धीरे गोल गोल फैला दें, अपने आप से बैटर अच्छे से फैल जाएगा ऐसे। तो ऐसे फैलेंगे, एक कड़छी बार डाल देंगे तो चिल्ला अपने आप, देखिए बिल्कुल गोल चिल्ला तैयार हो गया। फैलाकर अच्छे से, और अब हम इस पे घी डाल लेंगे साइडों में, किनारों पे घी डालेंगे इसके साइडों में, और थोड़ा सा इसके ऊपर भी डाल देंगे ऐसे, ताकि हमें इसे पलटने में आसानी हो जाए। अब जो मैंने प्याज, टमाटर और धनिया मिला के रखा था वो इसके ऊपर डालूंगी चिल्ले के, ऐसे थोड़ा थोड़ा कर कर आप सारे चिल्ले पे फैला दें। जो भी आपको, जो भी सब्ज़ी, जो वेजिटेबल आपको पसंद हो, वो बारीक बारीक काट के आप इस पे डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैंने प्याज टमाटर काट के डाले हैं, तो ऐसे फिर अब हम इसके ऊपर 1 चम्मच घी और डालेंगे ऐसे ऊपर से, ताकि पलटने के लिए नीचे से सिक जाएगा। अब मैं इसको धीरे धीरे किनारे से उठा के देखूंगी और इसको सारे टमाटर प्याज को दबा दूंगी ताकि इस पर अच्छे से चिपक जाए ऊपर। अब मैं साइड पलट दी, अब इसको फिर से दबाएंगे ऐसे अच्छी तरह से, हल्के हल्के हाथ से दबा दें इसको, ऐसे हल्के हाथ से दबाएंगे ताकि जो नीचे सारी सब्जियां हैं वो अच्छे से पक जाएं और चिल्ला कहीं से कच्चा ना रहे। और फिर थोड़ा सा घी इसके चारों तरफ फैला देंगे ताकि चिल्ला सिकने में और भी अच्छा लगे, और ऊपर से घी लगाऊंगी मैं। और अब धीरे धीरे नीचे से हिला के देखूँ, देखिए पलट लिया, मेरी सारी सब्जियां अच्छे से पक गई हैं और चिल्ला सिक के बिल्कुल तैयार हो गया। देखिए सारी सब्जियों का कलर कितना अच्छा है। अब मैं इसको फोल्ड कर दूँगी, मेरा चिल्ला बिल्कुल तैयार है उतारने के लिए। अब मैं इसको पलट के अपनी प्लेट पे बिल्कुल धीरे से उतार लूँगी, देखिए चिल्ले का कलर देखिए। अब हमारा चिल्ला बनकर रेडी है, बिल्कुल खाने के लिए तैयार। अब आप इसको इमली की चटनी, केचप या हरी चटनी के साथ, जिस चीज़ के भी साथ आपको अच्छा लगे, अपना एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।